नमस्कार दोस्तों, टेक्युगा में आपका स्वागत है। लेटेस्ट टेक्निकल रिलेटेड अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जी हां दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले फॉर क्विक अपडेट। हेलो दोस्तों, टेक्युगा में आज आपका स्वागत है। तो हम लोग के पास बहुत सारे कस्टमर आते हैं जिनका प्राइमरी कंसर्न होता है कि वो विंडोज 10 जो लैपटॉप है या फिर उनका डेस्कटॉप होता है, तो उनका कुछ दिन जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है उसके बाद वो लैपटॉप स्लो हो जाता है या कंप्यूटर स्लो हो जाता है। तो आज हम लोग 5 स्टेप बताएंगे जो आप हर वीकली अगर करेंगे तो आपका विंडोज जो 10 लैपटॉप है या फिर डेस्कटॉप है वो थोड़ा फास्ट चलेगा। तो चलिए आते हैं वो स्टेप्स क्या है। स्टेप 1, हम लोगों को पहले स्टार्ट मेनू में जाना है, इसके बाद विंडोज एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स पे क्लिक करना है, उसके बाद डिस्क क्लीनअप बोल के जो सॉफ्टवेयर है उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे सी ड्राइव को पहले करना है हम लोगों को। यहाँ पे सारा जो ऑप्शन है उसको आप क्लिक कर दीजिए, फिर ओके मार दीजिए। इससे क्या होता है, आपका जितना भी टेम्पोरेरी फाइल वगैरह है सब डिलीट हो जाता है। तो आप जितना ब्राउज करते हैं टेम्पोरेरी फाइल आपका सिस्टम में लोड होता रहता है, तो डिस्क क्लीनअप आप जितना मारेंगे वो टेम्पोरेरी फाइल क्लीन होता रहेगा। नेक्स्ट स्टेप, सेम स्टार्ट मेनू में क्लिक कीजिए, विंडोज एडमिनिस्ट्रेटिव टूल में जाइए, फिर टी फ्रैगमेंट एंड ऑप्टिमाइज जो ड्राइव है इसमें क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप जितना सारा ड्राइव देखेंगे आपका कंप्यूटर में, अगर मेरे कंप्यूटर में 2 ड्राइव है सी और डी, अगर आपके कंप्यूटर में सी डी ई एफ जी एच करके है जो भी ड्राइव है, तो प्राइमरी जहाँ पे आपका विंडोज लोड रहता है पहले उसको ड्राइव को ऑप्टिमाइज कीजिए। तो मेरा ये ऑलरेडी रन कर रहा है, ये देखिए मैंने इसको स्टॉप किया, ये ऑप्शन आपको दिखेगा। आप पहले एनालाइज मार सकते हैं, फिर डीप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, या फिर पहले डायरेक्ट ऑप्टिमाइज में क्लिक कर सकते हैं। ऐसे ऐसे करके आपको जितना ड्राइव है सबको ऑप्टिमाइज कर लेना है। तो इसमें ऑप्टिमाइज करके आप अगर क्लोज भी कर देंगे तो ये बैकग्राउंड में ऑप्टिमाइज होता रहेगा। नेक्स्ट स्टेप है, अननेसेसरी जितना भी फाइल है या प्रोग्राम है जो आप यूज नहीं करते उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। वो आपको अनइंस्टॉल करने के लिए आपको कंट्रोल पैनल में जाना पड़ेगा। यहाँ पे जाने के बाद प्रोग्राम एंड एक्सेसरीज में या फिर प्रोग्राम एंड फीचर में जो है उसमें क्लिक करना है। यहाँ पे जो आप जो प्रोग्राम कभी यूज़ नहीं करते या फिर जो गेम वगैरह आप नहीं खेल रहे अनइंस्टॉल करना है उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। इससे क्या होता है, आपका कंप्यूटर में बहुत सारा जगह भी सेव होता है और कंप्यूटर फास्ट भी चलता है। नेक्स्ट स्टेप, विंडोज 10 में ग्राफिक्स और UI का हेविली यूज़ हुआ है, तो क्या होता है ग्राफिक्स जितना आप यूज़ करेंगे उतना आपका अगर PC का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो फास्ट नहीं है, लाइक 2 GB या 8 GB रैम नहीं है, प्रोसेसर उतना फास्ट नहीं है, तो आप जितना भी ग्राफिक्स यूज़ करेंगे आपका कंप्यूटर उतना स्लो चलेगा। तो उसको ठीक करने के लिए आपको माई कंप्यूटर के ऊपर राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है, एडवांस सेटिंग्स में जाके क्लिक करना है, फिर यहाँ पे देखिएगा परफॉर्मेंस बोल के एक ऑप्शन दिखाता है, इस पर क्लिक कर दीजिए। मेरा ऑलरेडी बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए सेटअप करके रखा हुआ है, आपको जो दिखेगा आपके मशीन में शायद ये वाला ऑप्शन दिखेगा, या फिर इस पर अगर क्लिक कीजिएगा तो ये आपको बहुत मतलब ग्राफिक्स इंटेंस लगेगा दिखने में, बट आपको अगर डिवाइस स्लो चल रहा है तो आपको परफॉर्मेंस में क्लिक कर देना है। तो ये वाला ऑप्शन में क्लिक करने के बाद अप्लाई कीजिएगा, ओके कीजिएगा, आपका देखिएगा बहुत सारा फीचर नहीं दिखेगा। और लाइक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ये थंबनेल प्रीव्यू ये सब वगैरह नहीं दिखेगा, यहाँ पे स्निक टू प्रीव्यू जो ऑप्शन आता है वो सब नहीं दिखेगा, बट ये सब जो ऑप्शन बंद कर दिए इसकी वजह से आपका PC जो है और भी बहुत फास्ट चलेगा।
और जो आखिरी स्टेप है, कंप्यूटर अगर आपका 12-13 घंटा चल रहा है या फिर दिन में 4-5 घंटा कंटिन्यूसली बैक टू बैक चले जा रहा है, तो बेस्ट ऑप्शन है आपको कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना चाहिए हर थोड़ा 1-2 घंटा बाद इंटरवल में। रीस्टार्ट करने से क्या होता है, जो टेम्पररी मेमोरी जो पेज फाइल लोड होता है वो रैम में वो वगैरह क्लीन हो जाता है, तो कंप्यूटर रिफ्रेश हो जाता है। तो ये था हम लोगों का 5 स्टेप। हम लोगों का चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन जो बेल आइकॉन है उसको क्लिक कर दीजिए। ऐसे नए नए ट्यूटोरियल आता रहेगा। थैंक यू। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।